हेलो दोस्तों, डेटा सानू के एक नए एपिसोड में मैं मन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा हॉनर ने हॉनर 8C स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 4GB और 32GB के लिए आपको 12,000 रुपीज़ आपको स्पेंड करना पड़ेगा और 4GB और 64GB वाला के लिए आपको तकरीबन 13,000 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं मेरा ओपिनियन देने वाला हूँ, क्या ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं। दोस्तों, ज़्यादातर मेरा ओपिनियन की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन इतना ज़्यादा मुझे इंप्रेसिव नहीं लगा जैसे हॉनर का 8X जैसे मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने खुद भी मेरे चैनल पर अनबॉक्सिंग भी उसका किया था, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये स्मार्टफोन मुझे इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। क्यों नहीं लगा ये आगे आप जान पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेड कलर बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों, हॉनर का 8C का स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.26 इंच का आपको 720p का डिस्प्ले मिलता है, 1440x720p का डिस्प्ले, HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है। 13,000 रुपीज़ में HD प्लस का डिस्प्ले मेरे लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा इसीलिए। और चिपसेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 632 चिपसेट जो एक वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो स्नैपड्रैगन 632 चिपसेट के साथ आ रहा है। 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा, 4000mAh का बैटरी, माइक्रो यूएसबी पोर्ट, फास्ट चार्जिंग ये स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है। जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है यहाँ पर आपको f1.8 का अपर्चर मिलता है तो अच्छी बात है, यहाँ पर आपको लो लाइट फोटोग्राफी अच्छी होने वाला है। जो सेकेंडरी दो मेगापिक्सल का कैमरा है ये f2.4 अपर्चर के साथ आता है। और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का जो शूटर मिलता है f2 अपर्चर के साथ आता है। और यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, डुअल 4G वोल्टी मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और फ्रंट में आपको फेस अनलॉक भी ये स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन ये स्मार्टफोन में मुझे इसीलिए ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर आपको प्लास्टिक इन बॉडी मिलता है। दोस्तों, प्लास्टिक बॉडी मिलता है, यहाँ पर आपको ग्लास नहीं मिलता जो हॉनर 9N स्मार्टफोन में जो ग्लास देख रहे हो वो मिला था। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको 13,000 रुपीज़ में 4GB और 64GB वाला वेरियंट मिलता है। अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ रेडमी का नोट 6 प्रो, ये स्मार्टफोन आपको 13,000 रुपीज़ में मैंने खरीदा जो ऑफर्स में 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट था, मैंने 13,000 रुपीज़ में इसका 4GB और 64GB वाला खरीदा। यहाँ पर आपको फुल एचडी का डिस्प्ले मिलता है, स्नैपड्रैगन 636 मिलता है, बेटर कैमरा मिलता है, फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। अगर 1,000 रुपये आप ज़्यादा देंगे 14,000 रुपीज़ में आपको रियलमी 2 प्रो मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 660 के साथ। अगर 2,000 रुपये और आपको एक्स्ट्रा देना चाहेंगे तो हॉनर का 8X स्मार्टफोन आपको उसी ब्रांड में देखने को मिल जाएगा जो आपको बहुत ही अच्छा खासा डिस्प्ले के साथ आ रहा है, मतलब 6.5 इंच का डिस्प्ले के साथ आ रहा है और किरिन का 710 चिपसेट के साथ आ रहा है जो 12 नैनोमीटर का चिपसेट है। तो इसीलिए मुझे ज़्यादातर ये स्मार्टफोन पसंद नहीं आया जाता क्योंकि हॉनर का जो 7C स्मार्टफोन था और लॉन्च हुआ था तकरीबन 9,000 रुपीज़ के आसपास 9,999 रुपये में। लेकिन ये स्मार्टफोन मुझे लगता है अगर 9,999 रुपये में 4GB और 32GB वाला का प्राइस, अगर 4GB और 64GB वाला का प्राइस तकरीबन 11,000 रुपीज़ 11,000 रुपीज़ 11,500 या 12,000 रुपीज़ के आसपास रहता तो मैं मान सकता था। लेकिन 13,000 रुपीज़ मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा है ये स्पेसिफिकेशन को देखते हुए। हालांकि स्नैपड्रैगन का 632 चिपसेट है, बहुत ही अच्छा चिपसेट है, लेकिन स्नैपड्रैगन 636 का ये डाउनग्रेडेड वाला चिपसेट है तो स्नैपड्रैगन 632 है। इसलिए मुझे ये स्मार्टफोन कैमरा फ्रंट में 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, इसलिए मुझे 13,000 रुपीज़ में ये स्मार्टफोन इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। हालांकि 4000mAh का बैटरी मिलता है लेकिन यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को नहीं मिलता। रियलमी का जो E1 स्मार्टफोन या हॉनर का 8X या रेडमी का नोट 5 प्रो या नोट 6 प्रो ऐसे स्मार्टफोन के साथ ये कॉम्पीट करेगा और 720p के डिस्प्ले के साथ मुझे नहीं लगता ये स्मार्टफोन इतना ज़्यादा कॉम्पीट कर पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हॉनर का 8C के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि मैं भी जान सकूँ आप हॉनर का 8C के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।